ताकतवर सिस्टम मुल्क में बारिशें बरसाने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात ने कल से तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। बलूचिस्तान और पंजाब में बादल जम कर बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर में नशेबी इलाके डूबने का खदशा। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में भी भरपूर बरसात का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम 29 अगस्त तक रहेगा। वज़ीर आज़म का बांग्लादेश की अबूरी हकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनस को खत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद की पेशकश कर दी। कहा, बांग्लादेश में हालिया तबाहकुन सैलाब पर दिली दुख और रंज है। बांग्लादेशी मुश्किलात में अपने हौसले और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। पुरउम्मीद हूँ बांग्लादेश आपकी क्यादत में मुश्किल से जल्द निकल आएगा। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान से। दोनों कमेटियों के टीओआर्स पर गौर। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत को मस्बत करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने मजीद मुलाकातों का भी इंदिया दे दिया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली, पतन ने इलेक्शन कमीशन को फिर चार्जशीट कर दिया। इलेक्शन कमीशन पर आम इंतखाबात में जेरीमैंडरिंग जैसे घनौने फेल का इल्ज़ाम। दावा किया कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मालूमात का हसूल चंद मगरबी ममालिक के लिए महदूद किया गया। एक खास सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाने का भी इल्ज़ाम। इंतखाबात में बेजाबतगियों से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट भी जारी। एन ए 242 कराची में 36,000 इजाफी वोट डाले गए। रिपोर्ट में दावा। लाहौर में अमीर बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अहसन शाह साथियों की फायरिंग से हलाक। CIA पुलिस मुलजिम को बरामदगी के लिए शादबाग लेकर जा रही थी। मुलजिम के भाई और नामालूम अफराद ने अहसन को छुड़वाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस का दावा। हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्ला अलैह अल मारूफ हज़रत दाता गंजबख्श का सालाना उर्स मुबारक। 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज कुछ देर बाद होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, सूबाई वुज़रा समेत अहम शख्सियात चादर पोशी की तकरीब में शरीक होंगी। दूध की सबील का इफ्तिताह भी होगा।